प्रणाम डॉक्टर मैडम। नमस्ते। अरे बैठो बैठो। कैसे हो? कैसा चल रहा है सब? बढ़िया। हाँ, सब ठीक है। रजनी, तुम इस बात का एक अच्छा उदाहरण हो कि अगर परिवार नियोजन समय पर किया जाए तो ना सिर्फ माँ और बच्ची की सेहत अच्छी रहती है बल्कि इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि पूरा परिवार और उनके आने वाले पीढ़ी भी सेहतमंद रहे। सच बताए डॉक्टर मैडम, अगर आशा दीदी नहीं रहती तो आज आप हमको ये बात नहीं बोल रही होती। आशा दीदी कदम कदम पर हम लोग का साथ दी है। परिवार नियोजन, जच्चा बच्चा की सेहत और पोषण के महत्व के बारे में समझाई है और एक वीडियो भी दिखाई है जिससे हमको और हमारे पति को सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया। हाँ डॉक्टर साहिबा, उन्होंने समय समय पर जांच करवाने और दवाइयाँ मुहैया करवाने में हमारी बहुत मदद की है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी जानकारी हम लोगों को दिए हैं और इनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती थी तो आप तक लाने में भी हमारी बहुत मदद किए हैं। और इतना ही नहीं कि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे लिए सरकार द्वारा दिया गया एक वरदान है। संवाद प्रोजेक्ट हम सन 2015 में शुरू किए थे। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम कई राज्यों में सरकार से मिलजुल कर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ा रहे हैं और स्वास्थ्य कार्यक्रम की दक्षता और पहुंच बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। देश के गांव-गांव में सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य संरचनाएं जैसे स्वास्थ्य उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है जिन्हें सेकेंडरी और टर्शरी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा, ANM और आंगनवाड़ी वर्कर एक मजबूत कड़ी की तरह सरकार और लोगों को जोड़ने का काम करती है। इस तरह और भी कई छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो कि स्वास्थ्य के ऊपर जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम कर रही हैं। आइडिया वही जो लोगों की जिंदगी बदल दे। प्रोजेक्ट संवाद में हमने कोई भी नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश नहीं की बल्कि पहले से ही मौजूद स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है और कम्युनिटी बेस्ड वीडियो अप्रोच इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। हमें आज भी अपनी पहली ट्रेनिंग याद है जब हमें बताया गया कि हमें भी खुद से वीडियो बनाना चाहिए। वाकई लगा कि हमें भी खुद से वीडियो बनाकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम लगातार करते रहे। उस वक्त तो हम थोड़ा डरे हुए भी थे लेकिन जब जीविका और प्रोजेक्ट की संवाद टीम ने हमारा साथ दिया हमें वीडियो बनाने का और लोगों तक पहुंचाने की एक एक बारी की समझाई गई। आंगनबाड़ी सेंटर पर दीदी लोग को इकट्ठा कर पीको प्रोजेक्टर के माध्यम से दीदी लोग को वीडियो दिखाते हैं और वीडियो के बारे में समझाते हैं और बताते हैं। दीदी लोग भी शांतिपूर्वक वीडियो देखती है, समझती है और वीडियो के बारे में चर्चा भी करती है, बढ़ चढ़ कर भागीदार भी बनती है। आज हमारे साथ चल के तो देखिए, गांव में सभी लोग हमें पहचानते हैं और पूरे भरोसे के साथ हम कैमरा को उठाते हैं और चल पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए। लोगों पर इन वीडियो का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। समुदाय में होने वाली विभिन्न बीमारियों के लिए जागरूकता के लिए इन वीडियोस को इस्तेमाल किया गया। बैठकें की गई और विभिन्न कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठाया गया है। नई सोच के लिए नई नजरिए की जरूरत होती है। ये अनोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोगों तक अहम जानकारी पहुंच रही है इसके चलते लोगों का खुद का और अपने परिवार के सेहत के प्रति नजरिया ही बदल रहा है। लोगों के ना सिर्फ आदतें बदल रही है बल्कि परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण के लिए उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। इस भागीदारी का एक अच्छी बात हुई है जो कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी इतने सशक्त हो गए हैं जिन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया है। The Project Sambad has
really spread the message of several programs and schemes of the government related to family welfare, related to health education, maternal health and nutrition education. And you know, by doing it, the messages has gone clear and loud to the community, and community has used the messages in taking advantage of their own entitlements. That was the beauty of this project.